Hey guys, क्या सोच रहे हो? टैटू बनाना है, दर्द होगा, ये टेंशन? अरे कोई दर्द नहीं होगा, क्योंकि आज हम घर पर ही टैटू बनाना सीखेंगे, वो भी बिना दर्द के और बिना पैसे खर्च के। तो देखते इस बात की, चलिए देख लेते हैं। पर एक रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने से पहले ना हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। गाइज, टैटू स्टार्ट करने से पहले जहाँ पर टैटू करेंगे उस जगह को अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पे हम पहले फेस वॉश से अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर पोंछ लेंगे, फिर थोड़ा सा कंडीशनर लगाएंगे। कंडीशनर लगाने के बाद रेजर से अनवांटेड हेयर को क्लीन कर लेंगे। बस क्लीन हो गया। अब हम स्किन की सफाई करेंगे। तो स्किन को क्लीन करने के लिए हम लेंगे थोड़ा सा कोलगेट। कोलगेट लेकर अप्लाई कर लेंगे और अच्छे से रब करेंगे, फिर वॉश कर लेंगे। अब हमें चाहिए मार्कर। इस तरह का जो थिन मार्कर मिलते हैं, वो अगर यूज करेंगे तो ड्राइंग ज्यादा अच्छा आएगा। अब वो टैटू ड्रॉ करना चाहते हो वो ड्रॉ कर लो। हम यहाँ पे पहले इस तरह का एक हार्ट शेप बनाएंगे, फिर उसके पीछे एक छोटा सा डैश क्रिएट करेंगे। अब इसके नीचे से ऐसा लाइन खींचेंगे, कुछ हार्ट रेट के चार्ट जैसे। ड्रॉ किए हुए बॉर्डर के ऊपर और एक और, मतलब फिर से टैटू के ऊपर लाइंस ड्रॉ करना होगा, फिर उसके ऊपर पाउडर डालना है यानी टैटू के ऊपर, और एक कॉटन पैड से रब करना है। फिर लेना है एक वाटरप्रूफ लाइनर, इसे लेकर फिर से ड्रॉ करनी है। ये वाला पार्ट बहुत ही सावधानी से करनी पड़ती है। अब फिर पाउडर डाल के एक कॉटन से वाइप आउट कर लो। ये पाउडर वाला पार्ट ना बार बार करना होगा। जब भी आप मार्कर से ड्रॉ करेंगे, ऐसा करने से टैटू जल्दी से ड्राई हो जाते हैं और टैटू भी सुंदर बनते हैं। अब हम इसे थोड़ा मॉडिफाई करेंगे कलर वाला मार्कर लेके। इस हार्ट को रेड मार्कर से फिल करेंगे। फिल करने के बाद फिर से लगाना है पाउडर और वाइप आउट। लास्ट में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा लेंगे। बस रेडी है हमारा टैटू। तो फिर चलिए अब टेस्ट करके देखते हैं कि ये रियल में वाटरप्रूफ है कि नहीं। फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं घर पर ही कितना अच्छा टैटू बन गया, वो भी बिना दर्द के। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का हमारा नया वीडियो? ये घर पर जरूर ट्राई करना और कमेंट करके जरूर बताना। सो आज के लिए टाटा एंड बाय बाय।